हाय एवरीवन, आज मैं आपके लिए लाई हूँ आटे के बिस्किट। वो भी हम बनाएंगे इडली मेकर में। इतने सॉफ्ट बिस्किट, दानेदार, कि अगर आप किसी को खिलाएंगे भी तो वो भी पूछेंगे कैसे बनाएं। जालीदार, क्रंची, दानेदार आटे के बिस्किट, वो भी घर में रखे सामानों से हम बहुत ही जल्दी तैयार कर लेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये आधे कटोरी के लगभग ये मैंने घी लिया है। घी हमको ऐसा ही लेना है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा, मीडियम, इतनी ही क्वांटिटी में लेना है। अगर आप इस कटोरी का नाप लेते हैं तो कटोरी नाप से आप ले सकते हैं। जो मैंने आधा कप घी लिया था उसके लगभग मैंने ये आधा कप पिसी हुई चीनी ली है। इसको हम अच्छे से छान लेंगे, इससे इसमें कोई लम्स वगैरह ना हो। अब दोनों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। दोनों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे 5 से 7 मिनट तक ऐसे ही चलाते जाएंगे। इसका ये जो कलर टेक्सचर है ये देखो चेंज होता जाएगा, एक क्रीमी फॉर्म में हो जाएगा। ये देखो ऐसे ही हमको इसकी वो चाहिए। अगर आपके पास ये फेंटने का अगर ब्लेंडर वगैरह है तो आप उससे भी फेंट सकते हैं। इसके बाद मैंने ये 1 कप के लगभग आटा लिया है, और जो 1 कप आटा लिया था उसके लगभग मैंने आधा कप ये बेसन लिया। इसके बाद उसका आधा कप मैंने ये सूजी लिया। अब इन सबको अच्छे से हम छान लेंगे जिससे उसमें कोई लम्स वगैरह नहीं हो। और इसके बाद मैंने ये आधा चम्मच ये बेकिंग सोडा डाला है। बेकिंग सोडा से क्या है, हमारे बिस्कुट जालीदार बनते हैं। और इसके बाद मैंने ये इसमें 1 चुटकी नमक डाला। अब आप सोचेंगे कि नमक क्यों डाला, हम तो बिस्किट मीठे बना रहे हैं। लेकिन नमक डालने से क्या है ना, बिस्कुट हमको मीठा मीठा नहीं लगेगा। इससे क्या, हम खाएंगे बिस्कुट तो हमारा मन नहीं भरेगा। ऐसे ही हम हल्के हल्के हाथों से इसको मिक्स करेंगे। जो हमने फेंटी थी उससे उसमें हवा भरी थी, अब इस हवा को हमको जाने नहीं देना है। आधा चम्मच पिसी हुई इलायची ली है, इससे इसका फ्लेवर टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। अगर आपको इलायची पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकती हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा 2 चम्मच ठंडा दूध डालूंगी। दूध उबला हुआ ठंडा करके रखा हुआ दूध डाला है, गर्म दूध नहीं डालना है हमें इसमें। अब बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से हम इसको गूंथेंगे। बहुत ही सॉफ्ट हाथों से गूंथना है हमें इसको। हम अगर टाइट हाथों से गूंथेंगे तो ये हमारे बिस्कुट कड़क बनेंगे, इसलिए हम बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से गूंथेंगे। हमको बस उसमें ये इतना ध्यान रखना है कि जो हमने आटा लिया है 1 कटोरी, अगर आप कटोरी का नाप लेते हैं तो उस कटोरी के नाप से ही करना है आपको सब। 1 कटोरी आटा, तो उसके आधा बेसन, फिर बेसन का आधा हमने सूजी लिया है, तो हमारे बिस्कुट बहुत ही परफेक्ट बनेंगे। बस इतनी सी बात का ही हमको ध्यान रखना है। अगर थोड़ा रूखा रूखा लगे तो हम इसमें 1 चम्मच दूध डाल लेंगे। फिर हम इसको सेट कर लेंगे। सेट करके हम इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे। जब तक हम इडली मेकर को गर्म करने के लिए रख देते हैं, इसमें मैंने 1 कटोरी अपना खाने वाला जो नमक होता है वो मैंने डाला है। नमक के अलावा हम इसमें रेत भी डाल सकते हैं। अब 10 मिनट बाद ये हमारा डो बहुत अच्छा हो गया है। ये देखो कितना बढ़िया हो गया है। किट हमारे एक जैसे बने उसके लिए ये चम्मच से एक सा बनाएंगे हम। आप कोई सी भी चम्मच ले सकते हैं, हमारी जो खाने वाली चम्मच होती है उसे भी एक सा परफेक्ट बिस्कुट बनाएंगे। ऐसे ही गोल गोल हल्के हल्के हाथों से गोल गोल घुमा घुमा के हम बिस्कुट को बनाएंगे। ऐसे ही बाकी के सारे हम बना के रख लेंगे। अब इडली मेकर जो स्टैंड है उस पर हम ये थोड़ा थोड़ा घी लगा देंगे, जिससे हमारे ये बिस्कुट आसानी से हम इसको उठा सकें, चिपके नहीं। अब ये जो चाकू का पीछे वाला जो मोटा हिस्सा होता है, इससे हम इसमें बिस्किट में शेप देंगे। इसमें हम ये थोड़े से पिस्ता बादाम को हम इसमें लगा देंगे, जिससे बिस्किट और भी सुंदर लगती हैं दिखने में, बहुत ही बढ़िया सुंदर दिखने में लगेंगे। सारे बिस्कुट को भी हम ऐसे ही लगा के रख देंगे। ऊपर से भी हमारे बिस्किट क्रिस्पी लगें उसके लिए हमने ये दूध में कॉटन भिगा के इसके ऊपर हल्का हल्का
दूध को लगा देंगे। इसको हम अब इडली मेकर में 20 मिनट के लिए रख देंगे, जैसे हमारे बिस्कुट अंदर तक बढ़िया सिक जाएं। अति स्लो आंच पर ही हमको बिस्किट को रखना है। अब 20 मिनट बाद देखिए हमारे बिस्कुट कितने बढ़िया फूले फूले, कितने क्रिस्पी लग रहे, बिल्कुल मार्केट जैसे। अगर किसी हमने मेहमान को भी दिए तो कोई ये नहीं कह सकता कि ये घर पे बनाए हैं, बहुत ही बढ़िया। और ये बिस्कुट का ऊपर से जो टेक्सचर आया है बहुत ही बढ़िया लग रहा है। बिस्किट को हम रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख देंगे, गरम गरम नहीं उठाना है, नहीं तो बिस्किट टूट जाएंगे। ठंडा होने के बाद ये बहुत ही बढ़िया और क्रिस्पी हो जाते हैं। देखिए नीचे से भी कितने बढ़िया सिक गए हैं। अब बाकी के भी बिस्किट हम ऐसे ही बनने के लिए रख देंगे। बस ये ध्यान रखना है कि गैस को हम बिल्कुल धीमा ही रखना है। धीमे धीमे आंच पर ही बढ़िया अंदर तक ये सिक जाते हैं। हमारा देखिए एक कटोरी आटा, आधी कटोरी बेसन और उसके आधी सूजी से हमने कितने सारे बिस्किट बना लिए हैं। लगभग मेरे ये बिस्किट 20 से 21 बन गए हैं। बहुत ही बढ़िया कलर। घर पे बनाइए बिस्किट, अपने बच्चों को घर के ताजे बने हुए बिस्किट खिलाइए। इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, बच्चों के टिफिन में भी रखिए, बहुत ही बढ़िया। आप भी ट्राई कीजिए और बनाइए और मेरे साथ अपने अनुभव शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी ये आटे के बिस्किट बनाने वाली रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।